नमस्कार दोस्तों, स्कूल खुलने को लेकर हर दिन एक बड़ी अपडेट जो है आप लोगों के सामने आ रही है और उसी पहल में स्कूलों को खोले जाने को लेकर अब सारी अटकलों पर विराम जो है वो लग चुका है। सरकार ने जब से कोरोना संकट के चलते सुरक्षा के सभी उपायों को बखूबी ध्यान रखते हुए सशर्त स्कूल खोले जाने की व्यवस्था तय की है। राज्य भी धीरे धीरे इसमें सहभागिता कर रहे हैं। इस क्रम में आज एक ताजा खबर सामने आई है कि अब केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय जैसे संगठनों ने भी देश भर के अपने स्कूलों को खोलने की तैयारी कर ली है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने फिलहाल स्कूलों को खोलने की जो तैयारी की है वह उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सहित राज्य में स्कूलों के खोलने की अनुमति मिलने के बाद शुरू की है। संगठन से जुड़े सूत्रों की माने तो स्कूलों को वैसे तो तुरंत ही खोलने की अनुमति दे दी जाती है, लेकिन 21 अक्टूबर से स्कूलों में त्योहारों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, जो 10 दिनों की हैं। ऐसे में स्कूल 2 नवंबर से खोलने की योजना बनाई गई है। गौरतलब है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने स्कूलों को इससे पहले 21 सितम्बर को खोलने की योजना बनाई थी, लेकिन अभिभावकों की सहमति न मिल पाने से यह बात टल गई। देश भर में करीब 1250 केंद्र विद्यालय और 650 नवोदय विद्यालय हैं। इसमें करीब 15 लाख छात्र पढ़ते हैं। इधर कोरोना संकट के चलते करीब 7 महीने बंद पड़े स्कूलों को फिर से खोलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे राज्यों ने सोमवार से स्कूल खोल दिए हैं। ऐसे में अभिभावकों की राय ली जा रही है। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के लिए जारी दिशा निर्देश में स्कूल 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दी थी। इसके बाद ही स्कूलों की खुलने का जो सिलसिला है वो शुरू किया जाएगा। हालांकि अभी सिर्फ 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को ही स्कूल बुलाया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने गाइडलाइन दी है कि केंद्र शिक्षा मंत्रालय के दौरान जितने भी सुरक्षा के मानक हैं उनका पूरा ऐलान कर दिया गया है। इसमें छात्रों के लिए पूरे समय मास्क पहनना, 2 गज की दूरी अनिवार्य होना, साथ ही लंच और पानी की बोतल के साथ सैनिटाइजर भी अनिवार्य रूप से लाना है। अभिभावकों की अनुमति का प्रमाण पत्र साथ लाने वाले छात्रों को ही थर्मल स्कैनिंग के बाद स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। हालांकि अभी भी ज्यादातर राज्यों में स्कूल खोलने को लेकर उथोपोथ है। वहीं केंद्र ने साफ तौर पर कह दिया है कि स्कूलों को खोलने के लिए राज्य की अनुमति बहुत ज्यादा जरूरी है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल सहित कई राज्यों में स्कूल खोलने की अनुमति मिलने के बाद अपने विद्यालयों को खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वैसे तो विद्यालय तुरंत खुल जाते, लेकिन जो त्योहारों की छुट्टियां हो रही हैं इसी की वजह से ज्यादातर राज्य फैसला ले रहे कि भाई स्कूल जो है 2 नवंबर के बाद ही खोले जाएंगे। स्कूलों में छात्रों को पूरे समय तक मास्क पहनना होगा और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक अभिभावकों की अनुमति ना हो बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। कोई एग्ज़ाम का प्रेशर, कोई फीस का प्रेशर जो है वो माता पिता के ऊपर इस शुरुआती दौर में नहीं लगाया जाएगा। अभी बिहार और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो अभी स्कूल खोलने की प्रक्रिया पर अपनी संशय की स्थिति बनाए गए हैं। 9वीं से 12वीं तक के भी स्कूल उसमें अभी नहीं खोले जा रहे हैं। तो आने वाले ये त्योहारों की छुट्टी के बाद पूरी उम्मीद है कि 2 नवंबर के बाद स्कूल औपचारिक रूप पर 9वीं से 12वीं के लिए पूरी तरीके से खोल दिए जाएंगे और उसके बाद ही प्रक्रिया शुरू होगी प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए, यानी 6 to 8 और 1 to 5 के लिए। और किंडरगार्टन तो अभी आप भूल ही जाइए, क्योंकि सर्दियों की छुट्टियों में बच्चे, छोटे बच्चे और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, स्कूल टाइमिंग्स जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं, तो उनकी क्लासेस यथासंभव अभी ऑनलाइन ही चलती रहेंगी। तो स्कूल खुलने को लेकर ये बहुत बड़ी अपडेट थी, क्योंकि केंद्र विद्यालय संगठन और नवोदय अगर इस तरीके के डिसीजन ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं सभी राज्य भी अब अग्रसर हो जाएंगे स्कूल खोलने की प्रक्रिया में लेकर। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं, आपकी राय क्या है स्कूल खोलने को लेकर। साथ ही साथ चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।